हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी क्रिएशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप कोई भी सिलेंडर है, चाहे भारत गैस है, चाहे एचपी गैस है, या फिर आपका इंडियन गैस की सर्विस आप लेते हैं, किसी भी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए मैं आपको पोर्टल बताने वाला हूँ। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है mylpg.in। पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ राइट साइड में आपको तीन सिलेंडर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस। तो आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस ले रहे हैं, अपना गैस कनेक्शन आपने लिया हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मान लीजिए आपका इंडियन गैस का सिलेंडर है, तो आप इंडियन वाले सिलेंडर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका इंडियन गैस का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। अब आप अगर पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, इस पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा। तो रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में जो साइन इन के नीचे एक रजिस्टर्ड का बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम एंटर करना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है, और उसके बाद ईमेल आपको फिल कर देनी है। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद नीचे आई एम नॉट ए रोबोट वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा और आपको और प्रोसीड करना होगा। तो आपके रजिस्टर्ड नंबर से आपकी जो कनेक्शन की डिटेल्स हैं उन्हें फैच कर लिया जाएगा और आपका जो यहां पर लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो साइन इन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको यहां पर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है और नीचे आई एम नॉट ए रोबोट वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आपके कनेक्शन की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके लाएंगे तो यहाँ पे बुक योर सिलेंडर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिस पर एक माउस बना हुआ है, मतलब ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए है ये। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है बुक योर सिलेंडर। अब आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो आएगा। अब यहाँ पर आपको प्लीज सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, रिफिल सिलेंडर रिक्वेस्ट फॉर, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन से आपको एलपीजी रिफिल 14.2 kg, डोमेस्टिक एलपीजी के लिए 14.2 kg का सिलेंडर होता है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है नॉर्मल डिलीवरी या प्रीफर्ड डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी पे आप क्लिक करेंगे तो जब भी आपका जो वर्किंग डेज है, 2 से 3 दिन में आपका सिलेंडर आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रीफर्ड डिलीवरी पे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किस दिन आप घर पे रहेंगे, तो उस दिन का डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेंडर उसी दिन आपका डिलीवर होगा। तो प्रीफर्ड डिलीवरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वो चार्जेबल होती है, उसके लिए चार्ज पे करना पड़ सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने संडे यहाँ सेलेक्ट कर लिया 8 PM से, तो देखिए आपको 25 rupees का चार्ज पे करना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद नीचे बुक नाउ वाले ऑप्शन पे आ जाइए, बुक नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर, आपकी जो बुकिंग रेफरेंस नंबर है, वो जनरेट होकर आ चुका है स्क्रीन पर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक SMS के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, तो अगर आप बुक करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी, मतलब सिलेंडर जब डिलीवर्ड होगा तब आपको 1100 rupees यहाँ पे करना होगा। और अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आप चाहें तो यहाँ से भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो आई एक्सेप्ट वाला बटन है, टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद पे पर क्लिक कर देना है। तो पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, गेटवे सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, CC एवेन्यू जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है कि किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, पे विद, आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, भारत QR और UPI, किसी भी मोड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं 1150 rupees का, 1100 rupees का आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। अब आपको अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देती है, कार्ड नंबर आपको यहाँ डाल देना है, अपना नाम यहाँ पर डालना होगा आपको, उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, कार्ड के पीछे जो 3 digit का CVV नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, और उसके बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। तो
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दी हैं। अब आपको यहाँ पर सिर्फ कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप ये ओटीपी यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर दीजिएगा और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, आपकी सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन सक्सेसफुली हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।